बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा चैप्टर नंबर फाइव कम्प्लीट हो गया था। अब आई होप कि उसमें आपने एचटीएमएल को अच्छी तरह से सीख लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आइए हम चलते हैं चैप्टर नंबर वन को रिवाइज करते हैं और इसमें देख लेते हैं। और कुछ बच्चे नई जो न्यू आए थे जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर को सही तरह से नहीं पढ़ा था, काइंडली वो ध्यान से देखिएगा। हम दोबारा फर्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं। अब इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या था और इसको किस तरह हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये चैप्टर नंबर वन का आप लोगों का लेक्चर नंबर वन है और लेक्चर नंबर 22 मेन आपका जो चैप्टर था, किस नाम क्या नाम है उसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस चैप्टर में हमने देखना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट है आपका ओवरऑल इस चैप्टर का। एक्चुअली सबसे पहले जो मेन बात है, प्रॉब्लम का हमें पता होना चाहिए, तब हम उस प्रॉब्लम को जाके सॉल्व कर पाते हैं। ये सिंपल सी बात है, जब हमें प्रॉब्लम का पता होगा तब हम उसको जाके ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली बात, प्रॉब्लम को आप लोग किस तरह डिफाइन करोगे या प्रॉब्लम है क्या। एन इशू विच नीड्स टू बी सॉल्व, याद रखिएगा एन इशू विच नीड्स टू बी सॉल्व। शॉर्टकट मैंने आप लोगों को सिंपल सी डेफिनेशन करवाई है, एन इशू विच नीड्स टू बी सॉल्व इज नोन एज सॉफ्टवेयर इज नोन एज प्रॉब्लम। अब इशू एनी हर्डल एनी डिफिकल्टी जिसको सॉल्व होने की या रिजॉल्व होने की ज़रूरत पड़े उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉब्लम कहेंगे। क्या डेफिनेशन की है हमने प्रॉब्लम की, एन इशू विच नीड्स टू बी सॉल्व और रिजॉल्व। इशू क्या हो सकता है बच्चों हमारे पास, इशू एनी हर्डल डिफिकल्टी एनी ऑब्स्टेकल जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही हो। याद रखिएगा इशू क्या हो सकता है, एनी हर्डल एनी डिफिकल्टी एनी ऑब्स्टेकल जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रॉब्लम ही कहेंगे। अब प्रॉब्लम को सबसे पहले देखेंगे, जब प्रॉब्लम का हमें पता होगा तब हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। और मेन पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेन पॉइंट होता है आप लोगों के पास वो है स्टेप्स। क्या होते हैं हमारे पास स्टेप्स। अब स्टेप्स को करना क्या होता है हमें, फॉलो। अब प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर लिया, प्रॉब्लम का हमें जब पता चल जाएगा तब हमने स्टेप्स लेने हैं। क्या लेने हमने स्टेप्स, अब स्टेप्स को करना क्या है, फॉलो करना है। स्टेप्स टू स्टेप फॉलो करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। वो आगे मजीद हम लोग स्टेप्स क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करके या कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिन पर अमल करके हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। अब याद रखिएगा, अब जब प्रॉब्लम का आपको पता चल गया अब उसको सॉल्व करने की बात, यही तो स्किल मेन पॉइंट होता है हमारा। क्या स्किल मेन पॉइंट होता है, यानी कि ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, ऐसी महारत होनी चाहिए आपके पास कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। आपके पास कोई ऐसी महारत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि आप उसको लेके या उसकी बेस पे किसी भी तरह के प्रॉब्लम को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। अब प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह होंगे, स्टेप्स को फॉलो करके, स्टेप्स को फॉलो करके। अब अगर कहीं आप स्टेप को क्या करोगे बच्चों, स्किप करोगे तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी पैदा हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ईजी रहेगा, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम मज़ीद प्रॉब्लम यानी कि कम्प्लेक्स होता जाएगा और ईजी सॉल्व हमसे नहीं होगा। ये तो हमने देखी है सिंपल सी डेफिनेशन प्रॉब्लम की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम की डेफिनेशन हमने देख ली है, आज हम देखते हैं इसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किसको कहते हैं। द प्रोसेस टू सॉल्व अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, द प्रोसेस टू सॉल्व अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम जब आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम है क्या, एन इशू है, कोई भी इशू है जिसको सॉल्व होने की ज़रूरत है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉब्लम कहेंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी टेक्निक है, ऐसा प्रोसेस है, ऐसी स्किल है कि
आप जिसकी वजह से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाते हो। याद रखिएगा ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है, प्रोसेस है, जिसमें हम लोग किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को क्या कह पाते हैं बच्चों, सॉल्व कर पाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे। याद रखिएगा जब प्रॉब्लम की बात आ जाए, तो आप लोग प्रॉब्लम को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। क्या कहा मैंने, जब प्रॉब्लम की बात आ जाए तो आप लोग प्रॉब्लम को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक आपके पास है बच्चों वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, एक है नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की डेफिनेशन हमने देख ली। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है हमारा, अगर आपको प्रॉब्लम का पता नहीं है तो आप मसले को, प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाओगे। अब किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, मोस्टली दो प्रॉब्लम हैं। एक हमारे पास है वेल डिफाइंड, दूसरा हमारे पास क्या है, नॉट वेल डिफाइंड। यानी कि जो हमें लाइफ में दो तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, एक है हमारे पास वेल डिफाइंड, दूसरा क्या है हमारे पास, नॉट वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड वो प्रॉब्लम होता है, वो इश्यू होता है जिसका हमें पता होता है कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे, वी नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये मैंने किस चीज़ की शॉर्ट डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा दी है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बच्चों क्या होता है, ये वो प्रॉब्लम होता है जिसका हमें पता होता है कि इस प्रॉब्लम को किस तरह हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। वी नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, अगर आपको उसके सोल्यूशन का पता है कि इसको किस तरह मैंने सॉल्व करना है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। या अगर आपको नहीं पता होता तो उसका तो आपको बताया जाता है कि आपने इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करना है और इन स्टेप्स को लेके सॉल्व करना है, तो वो हो जाएगा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। एक हमारे पास क्या है, नॉट वेल डिफाइंड। अब इसकी डेफिनेशन क्या करोगे बच्चों आप, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब अगर हमें नहीं पता कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करना है, या आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए और बताया नहीं जाता कि इस प्रॉब्लम को किस तरह या किन स्टेप्स को फॉलो करके आपने उसको सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए भी क्या होंगे स्टेप्स, उनको क्या करना पड़ेगा हमें फॉलो। अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए क्या होंगे हमारे पास स्टेप्स, अब इन स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा हमें फॉलो। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सिचुएशन है। अब इस इन प्रॉब्लम का हमें पता होता है, अगर पता है फिर भी हमने स्टेप्स को क्या करना है फॉलो। अब ये जो प्रॉब्लम है इनका भी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है, इनका हमें पता नहीं होता या हमें बताया नहीं जाता कि किन प्रॉब्लम्स को या किन स्टेप्स को फॉलो करके आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो हो जाएंगे नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। ये थे हमारे पास बच्चों वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। इसे मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ, चंद स्टेप्स है आपके पास। अगर आपको क्या लगी है, प्यास लगी है, तो आप लोग क्या करोगे स्टेप्स को फॉलो करके अपना प्रॉब्लम हल करोगे। अगर आपको प्यास लगी है तो आप लोग क्या करोगे, जो प्रॉब्लम है यार, एक आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि आपको प्यास लगी है, आपने जाना है पानी पीना है और प्यास आपकी बुझ जाएगी। अब पहला क्या होगा, मेन पॉइंट स्टेप्स होंगे आपके पास, आपने उनको फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, आप जहाँ पे बैठे हैं खड़े हैं उठेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर जाएंगे, ये सेकंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास कि हम क्या करेंगे, ग्लास पकड़ेंगे और ग्लास उठाएंगे। नंबर फोर्थ क्या होगा हमारे पास स्टेप कि हम ग्लास पानी से भरेंगे, फिल करेंगे। अब फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम ड्रिंक करेंगे। पहले हमने क्या लिखा, पहला स्टेप क्या हुआ हमारे पास, स्टैंड इफ अगर बैठे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैंड एंड गो जहाँ पे पानी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप
ग्लास उठाएंगे, उसके बाद फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्रिंक एंड रिटर्न। इनकी इस तरह के चंद स्टेप्स मैं आप लोगों को देता हूं कि आप इन स्टेप्स को उठा के फॉलो करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। एक आपके पास ये स्टेप हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हमारे पास, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। ये पांच स्टेप्स को मैंने क्या किया बच्चों, फॉलो किया, तब जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पहले पहले खड़े हो गए उसके बाद आपने आप चौथे स्टेप पे आ गए। पहले आप क्या हुए, स्टैंड हुए, ये आपने वन स्टेप किया, बाकी क्या कर दिए आपने, ये स्टेप अगर स्किप कर दिए, क्या कर दिए, छोड़ दिए, डायरेक्ट आप इन स्टेप में आ गए, ये आपने दूसरा कर लिया, ये पहला ये दूसरा। अब इन स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते आप लोग, अगर स्किप करोगे तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो इस तरह आप लोगों को स्टेप्स को क्या करना होगा, फॉलो, तब जाके प्रॉब्लम हम लोग इजीली हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम किस तरह होंगे, नॉट वेल किस तरह होंगे। अल्लाह हाफिज़।